नमस्कार दोस्तों, इस चैनल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपके लिए बहुत अच्छी रोचक जानकारी मैं लेके आया दोस्तों। दोस्तों अगर हम अपने शारीरिक अंगों को ध्यान से देखें तो कभी कभी बहुत अचंभा होता है कि कुदरत ने कितने कमाल की चीज़ बनाई है। हर शारीरिक अंग को बनाते हुए काफ़ी बारीकी से काम किया है। हमारे त्वचा बने रोम छिद्र, हाथों पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, हाथ पैरों के नाखून, ये कुछ चीज़ें कुछ इन अंगों को पूरा बनाती है। लेकिन ये चीज़ें यूं ही नहीं बनी, हर किसी को इसका एक महत्व होता है, एक मकसद होता है जो इनके होने का महत्व बताता है। जैसे त्वचा पर होने रोमचित्र की बात करें तो अगर ये ना हो तो हमारी त्वचा सांस कैसे लेगी। जी हाँ, त्वचा सांस लेती है तो इन रोमचित्रों की मदद से स्वस्थ हो रहती है। यदि रोमचित्र बंद हो जाएंगे तो त्वचा मुरझा जाएगी, वो मैली और बेरंग होने लगेगी। हमारे शरीर पर मौजूद विभिन्न शारीरिक अंगों में से हमारे हाथ पाँव काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे तो हर एक शारीरिक अंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अगर हाथ पाँव को बात करें तो इसकी भूमिका बहुत अलग रहती है। लेकिन आज हम बात करने वाले उन पर बने नाखूनों के बारे में एक रोचक जानकारी आपके साथ बांटते हुए। नाखून हाथ पैरों को संपूर्ण बनाते हैं, ये उनकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। नाखून कितने ज़रूरी है इसका महत्व आपको महिलाओं से अधिक समझ में आएगा। खैर हम खूबसूरती की बात नहीं कर रहे हैं, या नाखून में बड़े किसी खास चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं। हर किसी के नाखून में अलग अलग प्रकार के होते हैं, फिर चाहे वो हाथ के हो, पाँव के हो, या इनके आकार और साइज़ में फ़र्क होता है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो है इन नाखून में बना अदृश्य चांद। जी हाँ, क्या कभी आपने नाखून पर ध्यान दिया या नाखूनों को देखा ठीक से? नाखून में बने ये अर्ध चांद का मतलब क्या होता है? हमारे हाथ की उंगली की त्वचा ये ख़त्म होते ही जहाँ से नाखून आरंभ होता है ये चंद्रकांत, ये चंद्रकार ठीक बना हुआ होता है। ये निशान हर किसी के नाखून पर होता है, हाथ की उंगलियों पर, पाँव की उंगलियों के उंगलियों पर भी, नाखूनों पर भी सफ़ेद चंद्रकार बना होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन इनके होने का मतलब क्या होता है? नाखून पर बने इस चंद्रकार निशान के बारे में कहते हैं कि असली में ये सफ़ेद रंग का नहीं होता, ये नाखूनों की वजह से सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। असल में इस निशान के पीछे या इस निशान के नीचे परत से जुड़े तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से वह ढक जाते हैं। ये निशान हर किसी के को अपने नाखून पर दिखाई देगा, नहीं देता। नाखून के बीच में निशान होता तो ज़रूर है, लेकिन कई बार इसका हल्का हो जाता है कि हमें दिखाई नहीं देता। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक वाइट सा निशान दिखेगा। अगर गलती से किसी के नाखून के हिस्से पर चोट लग जाए तो निशान टूट जाए तो पूरा नाखून टूट जाता है और दोबारा नाखून आने की संभावना भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर नाखून आगे से टूटा है तो निशान बच जाता है, आगे से नाखून भले ही अलग हो जाए लेकिन ये निशान वहीं के वहीं सलामत रहता है। नाखून पर चंद्रकार निशान की और एक रोचक बात है कि यह पूर्ण रूप से हाथ के अंगूठे के निशान पर ही दिखता है। अगर आपने अंगूठे के नाखून पर दिखाई दिया होगा तो आप ये जान सकते हैं कि ये अन्य उंगलियों के नाखून पर बेहद कम होते हैं। लेकिन ये चंद्रकार निशान के असली उद्देश्य की बात करें तो विशेषज्ञ की राय की अगर मानें तो हमारे हेल्थ की जानकारी के बारे में देता है, हमारा शरीर कितना मजबूत है ये दिखाता है। ये निशान अगर किसी के हाथ के नाखून में पूरी तरह दिखता है तो ये वो इंसान स्वस्थ है, लेकिन इसका कम होना ना होना के बराबर उस व्यक्ति के बीमार होने के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, पाचन शक्ति ठीक से नहीं होती। विशेषज्ञ ने परफेक्ट चंद्रकार निशान की भी व्याख्या की। उनके अनुसार अगर व्यक्ति के दोनों हाथों पर कम से कम 8 ऐसे निशान पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं तो इंसान स्वस्थ है। इससे कम निशान होना की चिंता की बात है। ये निशान जितने ज़्यादा सफ़ेद रंग के होंगे उतना ही इंसान शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत माना जाएगा। लेकिन इनका कम सफ़ेद होना या कुछ पीला होना व्यक्ति के भीतरी या कहीं ना कहीं टॉक्सिन होने की या विषैले पदार्थ होने की निशान जताता है। इसलिए अपने भी नाखून एक बार जरूर चेक करें और देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।